नमस्कार बच्चों, आज की व्याकरण की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। जी हाँ, वर्ण विचार पढ़ते हुए सबसे पहला जो प्रश्न दिमाग में उठता है वो उठता है वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? देखिए, पिछली कक्षा में हमने जाना था भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है? जी हाँ, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा होती है और भाषा को लिखने के जो चिन्ह हैं वे लिपि कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो लिपि होती है यही वर्ण कहलाती है। कैसे? अगर मैं कहूँ कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है, तो गलत नहीं होगा। इसकी उचित परिभाषा भी यही है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। अब वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। पर उससे पूर्व एक और बात स्पष्ट करनी आवश्यक है कि जब हम इन ध्वनियों को, इन वर्णों को अलग अलग प्रयोग करते हैं, जैसे हमने कहा क, ख, ग, तो ये वर्ण है। अण, त, फ, ज, ग, ये वर्ण है, ये वर्ण है। लेकिन जब हम इन्हें एक क्रम में प्रयोग करें, जैसे कवर क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, ज, ण, त, त, द, ध, न, प, भ, 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 म, इस तरीके से आ ई ऊ क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग किए गए वर्ण वर्णमाला कहलाते हैं। ठीक है, अब हमने वर्णमाला जान ली, वर्ण जान लिया। अब हम बताएंगे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरे व्यंजन। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। संस्कृत से एक स्वर हिंदी को प्राप्त हुआ जो था रि, जो चिन्ह में लिखा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ व्यंजन ध्वनियों का वह रूप जिनमें बोलने में, जिनको बोलने में समय अधिक लगता है, साथ ही जिनको बोलने के लिए स्वरों का सहारा लेना पड़ता है, वो व्यंजन कहलाते हैं। ओके, सभी व्यंजनों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, प्रकार भी हैं, भेद भी हैं। जैसे सर पहला है स्पर्श व्यंजन और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का अर्थ है छूना, अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करके वायु का रास्ता रोकती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण स्थान और वर्गों को निश्चित किया गया है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इनके सभी के अलग अलग उच्चारण स्थान हैं जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ है। इसके बाद बारी आती है अंतस्थ व्यंजन की, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय
श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है तथा वायु मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे य, र, ल, व, चार। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा को तेज गति से मुंह से रगड़ खाने के कारण जो गर्मी पैदा होती है उसे ऊष्म कहा जाता है और इसी कारण वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी चार हैं, श, श, स और ह। ओके, अब संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले जो व्यंजन हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क और श से क्ष, त और र से त्र, ज और ञ से ज्ञ, श और र से श्र। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त ध्वनियों का एक और अन्य भेद भी है जिसे अयोगवाह कहते हैं। इसमें तीन ध्वनियां हैं, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक वे ध्वनियां हैं जिन्हें बोलते समय हवा के मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर आवाज़ जो है निकलती है, और संस्कृत से जो स्वर मिले थे वे सभी निर अनुनासिक थे, लेकिन हिंदी में आकर अनुनासिक ध्वनियों के साथ विकसित हुए, जैसे स, आस, सास, लेकिन अनुनासिक के साथ सांस, भ, आग, भाग, ठीक है, लेकिन अनुनासिक लगने से ये बन गया भांग। अनुनासिकता को लिखने के लिए दो चिन्ह बनाए गए हैं, एक बिंदु दूसरा चंद्र बिंदु। जिन स्वरों की शिरो रेखा के ऊपर खाली स्थान होता है उन पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, समझ आ गई बात, और जिनके ऊपर खाली स्थान नहीं होता उनके ऊपर बिंदु। ये उदाहरण आपको समझ आ रहे होंगे देखकर। अब बात करते हैं अनुस्वार की। अनुस्वार एक आश्रित नासिक के व्यंजन है। इसको लिखने के लिए चिन्ह बिंदु है। जब यह शब्द के अंत में आता है तो म के रूप में आता है, जब शब्द के बीच में आता है तो अपने आगे आने वाले व्यंजन के रूप में बोला जाता है। ठीक है, ये आप इन उदाहरणों से इनको आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं विसर्ग की। विसर्ग का चिन्ह ये दो बिंदु हैं। संस्कृत में दो तरह की ध्वनियाँ जो हैं वो प्राप्त की जाती हैं, ह की, ठीक है, दो तरह से ह की ध्वनि को प्राप्त किया जाता है। एक के लिए चिन्ह ह बनाया जाता है तो दूसरी के लिए विसर्ग लगते हैं। ठीक है, संस्कृत में विसर्ग आता था, यदि हिंदी में भी हमें विसर्ग की का प्रयोग हम करते हैं तो उन्हें भी संस्कृत की तरह ही लिखा जाता है। जैसे कुछ शब्द हैं, अतः, प्रातः, स्वतः, प्रायः आदि। आगत स्वर, आगत स्वर आने वाले, अर्थात जिन्हें हमने विदेशी भाषाओं से प्राप्त किया है। ओके, इनमें मुख्य है अ। आजकल हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे शब्द हम इसके साथ प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉफी आदि। इसी प्रकार क, ख, ग, ज और फ ध्वनियाँ भी फारसी और अरबी भाषाओं से आई हुई हैं। ख, ज, ज और ज। ओके, चलिए
एक और नई चीज पढ़ते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण जो वर्ण है। अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम मात्रा में निकलती है अल्पप्राण कहलाते हैं, जैसे य, र, ल, व, और जिनमें अधिक मात्रा में निकलती है वो महाप्राण कहलाते हैं, जैसे कि श, श, स, ह। इसी प्रकार जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। भ, आ, र, अ, त, अ, अर्थात हर वर्ण स्वर, हर व्यंजन स्वर से पूर्ण होता है। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि निहित होती है। यदि स्वर रहित व्यंजन है तो उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।